जैसे कोई बालक ज्यादा हल्ला मचा रहा हो, बहुत जिद कर रहा हो किसी चीज को लेकर के, तो उसकी जिद वहां से हटाने के लिए माँ उसको एक खिलौना दे देती है। जैसे अगर भोजन की जिद कर रहा हो तो माँ एक खिलौना ला के उसे दे देती है कि इससे तो खेल ले, ताकि मन वहां से हट जाए। लेकिन वहां से तो हट गया, लेकिन अब उस खिलौने में इतना ज्यादा मस्त हो गया कि आसपास के अपने सारे व्यवहार को भूल गया, खाना पीना सोना अब उसी में लगा पड़ा, उसी में खेलने लगा पड़ा। तो भगवान ने हमें संसार दिया, संसार के रिश्ते दिए, इसलिए दिए कि थोड़ा बहुत हमारा मन जो इधर उधर भटक रहा थोड़ा बहुत उसमें लग जाए। लेकिन हम उसमें इतने ज्यादा मस्त हो गए कि उसमें मस्त होते होते जिस तरफ हमारी दृष्टि, यानी भगवान की ओर जो हमारी दृष्टि होनी चाहिए थी, वो वहां से हट गई और बस संसार में ही उलझ के रह गई, रिश्तों में उलझ के रह गई। तो उस दृष्टि को संसार से हटा करके पुनः भगवत चरणों में लगाने का जो काम करता है वो है भगवान का सत्संग।